पर डे वन पीपीवी में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच यूनिवर्सल चैंपियन मैच होने वाला है और इस मैच में कौन जीतने वाला है भाई ये तो पता नहीं, पर र्यूमर सामने आ रहे हैं कि जो भी ये स्टोरी लाइन है ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की ये आगे तक जाएगी, यानी कि रेसलमेनिया 38 तक ये कंटिन्यू रहने वाली है और इन दोनों के बीच राइवलरी ऐसी चलने वाली है। ड्रू मैकइंटायर का इन दोनों सुपरस्टार के साथ पहले जो है हिस्ट्री काफ़ी अच्छी रही है। मैकइंटायर ने इस बार यूनिवर्सल चैंपियन के लिए साल 2022 का अपना जो है प्लान बता दिया है। ड्रू मैकइंटायर का कहना है कि भाई डे वन पीपीवी में किसी की भी जीत हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन दोनों के साथ जो है रिंग शेयर कर चुका हूं और मुझे पता है कि भाई ये दोनों क्या कर सकते हैं। लेसनर को हराकर मैं WWE चैंपियन जीत चुका हूं और ये मेरे करियर का सबसे बड़ा बेस्ट मोमेंट था, जहां मैंने ब्रॉक लेसनर के खिलाफ जीत के बाद मैंने अलग लेवल पर काम किया था। मुझे लगता है कि इस मैच के बाद मेरी असली सफर शुरू हुआ था और रोमन के साथ मैं बड़े मैच का हिस्सा नहीं बना, लेकिन अब रोल काफी ज्यादा मजेदार हो गया है। पिछले साल सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस ने मेरे ताकत देख ली थी, अब उन्हें पता होगा कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं डे वन पीपीवी में होने वाले मैच देखूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि कौन टॉप पर खड़ा होगा। जो भी इस मैच को जीतेगा मैं उसके खिलाफ जाऊंगा, उन्हें चैलेंज करूंगा। तो ये साफ साफ ऐसा है कि भाई 2022 में तो भाई डे वन पीपी की बात जो है हमें ड्रू मैकइंटायर की रूट देखने को मिलने वाली है रोमन रेंस के खिलाफ। और रही बात की भाई कि आखिर डे वन पीपी में कौन जीतेगा, तो ये जहाँ तक मेरे को लगता है कि भाई प्लान ऐसे हैं कि हमें पॉल हेमन कुछ ना कुछ इसमें चूल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मेरे को लगता है कि भाई पॉल हेमन शायद से ये स्टूडेंट का हिस्सा हो सकता है कि रोमन रेंस के साथ जाएं और यहाँ पे जो है रोमन रेंस को जीत दर्ज करवाने में थोड़ी मदद कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है गाइस, आपको क्या लगता है कि डे वन में रोमन या ब्रॉक में से कौन जीतेगा, यार कमेंट करके बताओ। और यार सपोर्ट करो यार जल्दी से, यार सब्सक्राइब करो, नहीं हो तो चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।